दिया मैंने। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं जा रही हूँ, शाम का टाइम है, मतलब 4:30 हो रहे हैं, 4:30 हो रहे हैं अभी, और मैं जा रही हूँ मार्केट कुछ सामान लेने, जो आगे आने वाले वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। किसी चीज़ की तैयारी करनी है, कोई पूजा है हमारे यहाँ उसकी तैयारी कर रही हूँ, तो सबसे पहले जो भगवान जी की पोशाक वगैरह आती हैं तो पहले सबसे पहले वो लेके आ रही हूँ। तो चलिए चलते हैं मार्केट, देखती हूँ अगर मार्केट में व्लॉग बना पाई तो ठीक है, नहीं तो आके आपको ना सारा सामान दिखा दूँगी। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। अरे वो नहीं, तो यहाँ पहुँच गए हम शॉप पर जहाँ पर हम लोग ड्रेस लेते हैं माता रानी की। सबसे पहले ड्रेस लेते हैं, कोई भी अच्छा फंक्शन वगैरह होता है तो सबसे पहले हम माता रानी की ड्रेस लेते हैं। तो यहाँ मैं देख रही थी माता की ड्रेस बहुत सुंदर सुंदर थी, छोटी भी थी बड़ी भी थी, बहुत प्यारी प्यारी लग रही थी। तो देखते हैं हम कौन सी हमें पसंद आती है कौन सी लेते हैं, पर बहुत अच्छी अच्छी लगी थी। और उसके बाद भी मैंने कान्हा जी की ड्रेस भी ली। तो यहाँ पर ना इन सारी मूर्तियाँ जो सूरज जी वगैरह तांबे की पीतल की सारी मूर्तियाँ यहाँ पर मिलती हैं, और अधिकतर ना हम यहीं से ही लेके गए हुए हैं। जो हमारे घर मंदिर में भी जो मूर्तियाँ वगैरह ना, तो वो सब हम यहीं से लेकर के गए हुए हैं। हमारे ज़्यादा दूर भी नहीं है ये शॉप, घर के थोड़ा पास में ही पड़ती है, तो हम लोग आ जाते हैं, पति देव भी साथ आए हैं। और उसके बाद फिर मैम चली गई थी जो अगले नेक्स्ट डे माता रानी की ड्रेस और कान्हा जी की ड्रेस आने के बाद, फिर कुछ साड़ियाँ भी लेनी होती हैं जो ज़रूरी होती हैं हमें देने के लिए, मतलब जो हमारे खास होते हैं उनको देने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक ऐसी ना 2-3 साड़ियाँ ली हैं ग्रीन कलर में, एक थोड़ा सा काई कलर में, मुझे यही कलर ना पसंद आ रहे थे तो मैंने ये वाली ली हैं। और यहाँ मैंने 5 साड़ियाँ मैं लेके आई हूँ अभी, तो अभी यही साड़ियाँ मुझे पसंद आई थी तो यही मैं लेकर के आई हूँ। इसमें मेरी सासू माँ की ड्रेस मतलब साड़ी है ये वाली, ये है मम्मी जी की ड्रेस मतलब मेरी सासू माँ की, तो उनकी लेके आई हूँ, बाकियों की भी लेके आई हूँ जो घर परिवार में देनी होती है तो वो लेके आई हूँ। तो रख नहीं है अभी, मैं ज़्यादा खोल के नहीं दिखा रही हूँ इनको, क्योंकि ना ये ना खोल दूँगी ना तो फिर मेरे से ना तह करनी मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए मैंने सिर्फ ऊपर से ही दिखा दी है। और ये वाला ब्लाउज़ मैं दिखा रही हूँ, ये है मेरी साड़ी का, मैंने भी साड़ी ली है दो अपने लिए। तो ये ना जो साड़ियाँ हैं ना वो दोनों तो मैंने फॉल पिको के लिए उन्होंने भैया ने वहीं पर रख ली थी। तो यहाँ पर बस ये वाली साड़ी का ब्लाउज़ है, तो ब्लाउज़ मैं ले आई थी, अभी ब्लाउज़ सिलना दिया नहीं है तो दे दूँगी। ये दो, एक रेड है और एक ग्रीन है। जब साड़ी आएगी ना अभी इसी व्लॉग में मैं आपको दिखा दूँगी, क्योंकि ये व्लॉग ना कई दिन से स्टार्ट कर रखा था, तो मैंने जब ये पूरा हो गया ना कि साड़ियाँ वगैरह सब आ गई फॉल पिको होके, तब मैंने ये बना के वीडियो तब मैंने अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ बस ये वाली साड़ियाँ दिखाई हैं, फिर बेटी को भी ड्रेस दिलानी थी एक, तो उसको भी दिलाने लेके गई। तो यहाँ मैंने काफ़ी सारी देखे, हमने खैर कॉटन में थे काफ़ी सुंदर लग रहे थे, पर हमें कोई कलर पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि सब ना चीज़ पहनी हुई सी मतलब लग रहा था कि हमने ये सब पहने हुए हैं। तो बस यहाँ पर जो नायरा कट का जो सूट होता ना वो मेरे को लगा कि अच्छा लग रहा था, बिल्कुल कंफर्टेबल सा, तो वहाँ मैंने ये वाला पसंद किया। कौन सा पसंद किया अभी बता देंगे आपको, मैं आगे दिखा दूँगी आपको कि कौन कौन सी साड़ी है मेरी और कौन कौन से सूट हमने लिया है। तो बस यहाँ पर ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये वाली साड़ियाँ मेरी ना फॉल पिको करके आ गई हैं। तो बस ये वाली है येलो कलर की साड़ी, इसके साथ है रेड कलर का ब्लाउज। तो मैंने हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हम भी ठीक है। तो मैंने किया कुछ शॉपिंग तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, दिखा देती हूँ आपको। और हाँ, कुछ सूट्स मैंने सिलवाए हैं जो मैंने पहले शॉपिंग की थी, तो वो सूट भी सील करके आ गए हैं। तो अभी ना मैं पहन करके भी देखूँगी उनको कि उनकी फिटिंग वगैरह, तो वो भी मैं भी चेक करती हूँ। और उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से सूट सिल करके आए हैं और मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो चलिए दिखा देती हूँ आपको अपनी शॉपिंग और जो सूट सिल के आए हैं। तो ये दो सूट ना, एक ग्रीन कलर का और एक पिंक कलर का, ये दो सूट ना मैंने पहले ख़रीदे थे, तो ये ना स्टिचिंग के लिए गए हुए थे। तो यहाँ पर बस मैं वही दिखा रही थी आपको कि,
और इन दोनों सूटों में ना लाइनिंग लगी है, कॉटन की जो लाइनिंग होती है वो लगवा के और ये सूट सिलवाए मैंने। अभी इसको पहन के देख लेती हूँ मैं, क्योंकि ये वाला मैंने पहन करके नहीं देखा है फिटिंग वगैरह, तो अभी पहन लूँगी इसको। और जो पिंक वाला सूट है ना वो मैंने पहले देख लिया था, क्योंकि वो पहले आ चुका था एक हफ्ते पहले, तो उसको मैंने देख लिया था कि वो बिल्कुल साइज़ ठीक था उसका। और यहाँ इस वाले ग्रीन वाले के साथ ना मैंने प्लाजो सिलवाया है, तो खुला खुला सा कपड़ा काफ़ी अच्छा है इसका, काफ़ी कंफर्टेबल होता है गर्मियों के लिए। और एक दुपट्टा भी बड़ा सुंदर सा इसका, अच्छा लगता है कहीं जब शुरू शुरू में पहनो ना नया नया सा अच्छा लगता है। तो ये ग्रीन कलर का दुपट्टा बड़ा ही प्यारा सा सुंदर सा, तो अच्छा लगेगा। तो ये है दूसरा सूट पिंक कलर का, तो ये भी देख लीजिए, इसकी बाजू थोड़ी छोटी बनी है, सूट है इसमें भी लाइनिंग लगी है अंदर, क्योंकि कॉटन का कपड़ा है और ये स्टार वर्क है ना थोड़ा सा, तो इसलिए चुभे है ना, तो इसलिए मैंने लाइनिंग लगवाई है दोनों सूटों में। तो इस लेकिन इसकी बाजू थोड़ी छोटी है, इसका ना कपड़ा इतना ही था तो बाजू ना ज़्यादा लंबी निकल नहीं पाई थी, तो दीदी ने ना ऐसे निकाल दी, छोटी बाजू ही निकाल दी थी, कोई बात नहीं गर्मी है तो पहना जाएगा। और इसके साथ है पैंट, इसके साथ मैंने पैंट सिलवाई है, और इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, बहुत ही सुंदर सा, जैसा ग्रीन कलर है ना उसके जैसा ही है, इसमें भी हल्की हल्की सी ना जो गोल्डन कलर की लाइन आई हुई है, तो बस इसी तरीके का ये दुपट्टा है, प्यारा सा लगता है, अच्छा लगता है ना। सूट की जो शान होती है ना वो दुपट्टा ही होती है, अगर दुपट्टा सुंदर सा हो ना तो सूट भी प्यारा लगता है, और अगर खाली सूट अच्छा हो ना दुपट्टा अच्छा ना हो तो अच्छा सा नहीं लगता, तो इसलिए दुपट्टा मेन होता है, अच्छा लगता है प्यारा सा, उससे ना पूरी लुक चेंज हो जाती है सूट, पूरे सूट की। तो बस यहाँ पर मैंने ग्रीन सूट है ना जो, इसको मैंने पहन के नहीं देखा था ना, तो बस मैं इसको पहन के देख रही थी, तो इसका भी फिटिंग वगैरह बिल्कुल सही आई है, एकदम अच्छी सी आई है, तो देख रहे हो कितनी अच्छी फिटिंग आई है। और यहाँ पर मैं चुन्नी भी पहन पहन के ऐसे देख रही थी, अच्छा लगता है मुझे ऐसे ना सर पर दुपट्टा रखना अच्छा लगता है कभी कभी ना, तो बस यहाँ पर मैंने ये वाली फिटिंग देख ली है इसके बाद, तो अब ये भी उनको बता दूंगी दीदी को कि फिटिंग वगैरह सब सही है। और इसके जो बटन थे ना वो हट गए हैं, वो मैं बाद में लगवा लूँगी। और उसके बाद ये जो मैंने शॉपिंग की ना, तो सबसे पहले मैंने शॉपिंग की है माता रानी की ड्रेस की, तो ये वाली जो ड्रेस है ये हमने ली है माता रानी के लिए सबसे पहले। कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना, माता रानी की ड्रेस है, तो इसमें एक छोटा सा दुपट्टा है, तो ना जो हमारी माता रानी ना वो बिल्कुल छोटे से ही हैं मतलब साइज़ में, तो वो इस यही साइज़ ना उनको आएगा माता रानी को। और जो लड्डू गोपाल जी हैं उनकी ड्रेस भी मैंने एक ले ली है, क्योंकि ना जब कोई भी शुभ पूजा वगैरह होती है तो सबसे पहले ना देवी, जो हम लोग देवी है ना हमारी जो इष्ट देवी हैं उन्हीं के ड्रेस वगैरह ली जाती है, जैसे कोई शादी ब्याह होता है या कोई भी फंक्शन होता है, तो बस यहाँ मैं ये दोनों ड्रेसेस ले ली हैं। सबसे पहले मेन यही काम होता है कि माता रानी की ड्रेस, और मेरे घर में तो लड्डू गोपाल जी भी हैं तो मैंने लड्डू गोपाल जी की भी ड्रेस ले ली है सबसे पहले। और उसके बाद मैंने जो साड़ियाँ वगैरह थी वो ली थी, और यहाँ पर मेरी जो साड़ियाँ ना वो फोल पिको होके आ गई थी, तो मैं ना अब खोल के दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने भी ना खोल के नहीं देखी थी जब साड़ी फोल पिको करके आई थी ना, तो मैंने सोचा चलो अभी देख लेती हूँ, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ इसका कलर, क्योंकि खुलने के बाद जब कलर आता है ना तो वो ज़्यादा दिखता है पॉलिथीन में ना, ऐसे ढंग से दिख नहीं पाता है। और ये ना रोज़ कलर में है साड़ी, और बहुत ही प्यारी सी साड़ी है ये, एकदम कपड़ा इसका जॉर्जेट टाइप में है, मतलब बहुत ही जैसे गर्मियाँ होती है ना तो गर्मियों में ये जो कपड़ा है ना ये बहुत अच्छा लगता है साड़ियों के लिए। और इसका जो बॉर्डर है वो भी बहुत प्यारा सा है गोल्डन कलर का, बहुत ही कंफर्टेबल कपड़ा है। और ऐसी साड़ियाँ ना मुझे अच्छी लगती हैं जयपुरी प्रिंट की, मैंने पहले भी बहुत पहनी है जयपुरी प्रिंट की, और इस बार भी ना मैंने दोनों साड़ियाँ जयपुरी प्रिंट की ही ले ली हैं, तो दिखाती हूँ आपको। एक तो रोज़ कलर में ली है, और येलो कलर भी ना मुझे अच्छा लगने लगा है अब काफ़ी टाइम से, तो ना मैं येलो कलर भी काफ़ी पहनने लगी हूँ। तो ये देख रहे हो साड़ी कितनी प्यारी लग रही है, इसका जो वर्क है ना एम्ब्रॉयडरी वाला वो भी बहुत प्यारा लगा, इस वर्क की वजह से और जयपुरी प्रिंट की वजह से ही मैंने ये वाली साड़ी ली है, नहीं तो ना मैं एक ही साड़ी ले रही थी वो रोज़ कलर की, तो फिर पतिदेव साथ थे तो उन्होंने कहा नहीं ये वाली भी ले लो, मैंने कहा था नहीं एक ही ले लेती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं एक तुम अपनी तरफ से ले रहे हो एक मेरी तरफ से भी ले लो, तो ये खैर पैसे दोनों उन्हीं के नहीं दिए अभी तो, लेकिन उन्होंने कहा चलो ये वाली साड़ी भी तुम ले लो, उन्हें भी ना ये साड़ी बहुत पसंद है येलो वाली। और इसका जो ब्लाउज है ना वो रेड कलर का है, और जो रोज़ कलर की जो साड़ी है उसका ग्रीन कलर का है, जो मैंने दिखाया था ना मोर वाला एम्ब्रॉयडरी हो रखी है उसकी, और वो सिलने मैंने दिया हुआ है, तो बस वो सिल के भी आ जाएगा। तो यहाँ मैं दिखा रही थी बेटी का सूट जो उसने लिया है, नायरा कट का जो सूट है ये लिया है उसने, कॉटन का है और बहुत ही प्यारा सा सूट है, बहुत ही कंफर्टेबल सा,
क्योंकि ना गर्मियों में ना ऐसे सूट ना मेरी बेटी वैसे भी बहुत कम पहनती है, तो मैंने कहा नहीं इस बार ना सूट ले ले तो अच्छा लगे, उसको भी अच्छा लगा और उसने ये पहन के भी देखा ना तो बहुत अच्छी फिटिंग, क्योंकि ये भी ना सूट मैं आपको इसलिए नहीं दिखा पाई थी पहले क्योंकि ये भी ना फिटिंग के लिए ही रख दिया था उन्होंने वहीं पर ही, तो जिन्होंने जहाँ से मैंने ख़रीदा है ना तो ये वहीं पर ही उन्होंने फ़िटिंग वगैरह करवा के दी है अच्छे से, और इस क्योंकि इसकी ना बाजू काफ़ी लूज़ थी और जो इसकी जो पैंट थी ना वो भी थोड़ी काफ़ी लंबी थी, तो बस वो फिटिंग वगैरह करके उनको करके उन्होंने दे दिया है, तब मैं आपको दिखा रही हूँ सारी शॉपिंग अपनी। और ये सूट बहुत ही कंफर्टेबल, कपड़ा बहुत अच्छा है, और ये है इसका पैंट, और पैंट ना नीचे से भी कटवाना पड़ गया था, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा था तो जो नीचे का जो बॉर्डर है ना उन्होंने यहाँ पर ये लगा दिया, नीचे से कट करके थोड़ा ऊपर करके तक करके लगा दिया, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है पैंट भी और कुर्ती, और इसके साथ है एक दुपट्टा ग्रीन कलर का भी, वो भी बहुत अच्छा एकदम, तो वो ना मैंने पहले रख लिया था क्योंकि दुपट्टा तो उन्होंने दे दिया था पहले, तो बस मैं वही ढूंढ रही थी कि दुपट्टा कहाँ है। और ये वाला जो ब्लाउज़ है ये अभी मैंने नहीं सिलवाया है, ये बाद में सिलवाऊंगी, ये येलो कलर की साड़ी है ना जो जयपुरी प्रिंट की उसके साथ का है, तो बस यहाँ पर ये दुपट्टा रखा हुआ रह गया था, थोड़ा सा मुस भी गया है तो कोई बात नहीं है, ठीक हो जाते हैं चुन्नी वगैरह, तो क्योंकि ये दुपट्टा तो उन्होंने दे दिया था और सूट पूरा रख लिया था कि फिटिंग करके फिर दे देंगे, यहाँ बस ये वाला बहुत ही कपड़ा एकदम सॉफ्ट है, एकदम प्यारा सा है, तो बस यहाँ पर ये जो नायरा कट का उसने सूट पहली बार लिया है तो देखते हैं कैसा लगता है उसके ऊपर, जब पहनेगी तब देख लेना, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी जब पहनेगी वो, और पूजा वगैरह में ना सूट वगैरह ही अच्छे लगते हैं तो इसलिए ना सूट ही दिलाया उसको इस बार, क्योंकि चुन्नी वगैरह भी हो ना तो सर पे अच्छा लगता है, तो बस यहाँ मैं दिखा रही थी सबको फोल्ड करके रख रही थी तो उनको तह करके लगा दिया है साड़ियों को भी सूट को भी, और क्योंकि फैल जाती ना तो फिर पूरा पैड ना फैल गया था, तो बस यहाँ मैं सबको रख देती हूँ संगवा के ढंग से जहाँ जहाँ जो चीज़ रखनी है। तो चलिए कैसी लगी आपको मेरी ये शॉपिंग कमेंट करके ज़रूर बताना, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।